टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चावल का पीठा बनाना बतलाऊंगी। देखिए, मेरा 250 ग्राम के करीब चावल का आटा है, ये नमक है, ये धनिया पत्ती है, ये जीरा है, ये हल्दी का पाउडर है, ये 250 ग्राम के करीब चना का दाल है जिसको मैं 4 से 5 घंटे तक फुला के रखी हुई हूँ, ये हींग है थोड़ा सा, ये हरी मिर्च है और ये लहसुन है। इसको मैं एक जार में सबसे पहले ग्राइंड करूंगी दाल को। एक अच्छा सा बेटर हम लोग को इसको तैयार करना है। देखिए, जार में मैं डाल ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, थोड़ी सी हल्दी, और इसको मैं एक बेटर तैयार कर लेती हूँ ग्राइंड करके। देखिए, ये मेरा ग्राइंड हो चुका है, लेकिन मेरा ग्राइंड ये अभी अच्छा नहीं हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा और लहसुन ऐड करूंगी। इसको बिल्कुल हम लोग को बारीक पेस्ट बनाना है। आप पानी का बहुत ही कम यूज करिएगा, एक आध चम्मच ही बस पानी डालिएगा। ऐसा एक गाढ़ा बेटर बनाना है हम लोग को। चलिए, अब इसका फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए, इसका एक बेटर तैयार हो चुका है। इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, थोड़ी सी हींग। अब इसको हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं। देखिए, अच्छी से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम लोग ढक के रख देते हैं। तक हम लोग आटा सान लेते हैं। सानने के लिए मैं पानी गर्म कर ली हूँ। देखिए, मेरा पानी खोल रहा है। जब भी आप आटा सानने के लिए यूज करें तो आप है सो गर्म पानी का ही यूज करिएगा, जो पूरा हीट हो। अब मैं गैस बंद करके इसमें डालती हूँ। पहले आटा में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से चला लीजिएगा आटा को। अब इसमें पानी जो आप डालिएगा वो कभी भी पूरा पानी एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे करके हमको पानी इसमें डालना है। इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे ऐसे, इसको मिलाते जाएंगे। ये मेरा आटा देखिए सन के तैयार है। अब मैं आपको बतलाती हूँ, ये थोड़ा गर्म है, आप हाथ में कभी भी थोड़ी सी तेल लगा लें रिफाइंड ऑयल, और इसको आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करें। देखिए, मेरा आटा पूरा अच्छी तरीके से गूंद के तैयार है। तब तक मैं कड़ाही में पानी गर्म बैठा ली हूँ। अब इसमें एक चलनी सा जो होता है थाली, उसको आप रख सकते हैं, आपके पास जो भी हो आप रख सकते हैं जो भी। लेकिन कढ़ाई जो भी जिस बर्तन में भी आप बैठाएं तो वो अच्छी तरीका से फिट होना चाहिए। अब चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद छोटी सी एक लोइया बनाइए। इसको एक कटोरी सा सेक दीजिए। एक कटोरी सा ऐसा सेप बना लीजिएगा बिल्कुल पतला करके। अब उसके में आप ये बेटर जो बनाए हैं इसको हमको इसमें डालना है। इसको हल्की हल्की ऐसे बंद कर दीजिए। अब इसमें हम लोग डालते चले जाएंगे। देखिए, मेरा पानी खोलने लगा, ऊपर से देखिए भाप आ रहा है, इसी से पकेगा। जब भी ऐसे भाप आने लगे आप इसको तुरंत ढक दीजिए। एक एक करके आप इसी तरीके से डालते चले जाइएगा। इसमें हम सारा देखिए डाल चुके हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके हम पकने देते हैं भाप से। अब देखिए,
पक चुका है, 10 मिनट हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसको खोल लेते हैं। देखिए पूरी तरीके से पक के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से पक के तैयार है। देखिए आपको मैं काट के दिखाती हूँ। देखिए पूरी तरीका से अंदर में देखिए पक करके पूरा अच्छी तरीका से तैयार है। अगर आपको ये मेरा पीठा अच्छा लगे आप जरूर आप एक बार ट्राई करके अपने घर में देखिएगा, फिर हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये चावल का पीठा कैसा बना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पीठा कैसा टेस्ट लगा।